हेलो 10th क्लास, इन टुडेज क्लास ऑफ सोशल स्टडी आज हम जो हैं अपने चैप्टर 8 का रिवीजन करेंगे आपके टेस्ट के लिए। फर्स्टली हम अगर टेस्ट के बारे में डिस्कस करें तो आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंदर नोट्स में से भी क्वेश्चन होंगे और बुक में से भी क्वेश्चन होंगे। नोट्स में से आपका लगभग पेपर का पैटर्न रहेगा 60%, और जो बुक है बुक के जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उसका पैटर्न रहेगा आपका कुछ मतलब 40%। ठीक है, क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिल गया है और नोट्स भी मैंने रिटर्न सेंड कर दिए हैं, जिसके पास नहीं हो वो उनसे स्टडी कर लेना। नोट्स से ही आपको लर्न करना है और क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। ठीक है, ये मैटर कम्प्लीट हो गया। इसके बाद जो पेपर है उसके अंदर आप लोगों को कैसे आंसर लिखने हैं इसका भी ध्यान रखना, पूरी क्लियरिटी रखना। Now we talk about our chapter 8, water resources. Chapter 8, water management, water resources, यानी कि जल संसाधन जो होते हैं उनके बारे में। As we talk about water management, तो water management से अगर हम meaning देखें तो पानी का सही तरीके से रख रखाव करना। ठीक है, water is such a precious gift of God. Water जो है वो काफ़ी precious gift होता है nature का। और अगर हम water की बात करेंगे तो 71% वाटर जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर है, और जो 100% वाटर है उसका 97% वाटर तो सैलिन वाटर है, यानी कि खारा पानी है जिसका कोई यूज़ नहीं है। 30% वाटर जो है वो वाटर कैसा है, हमारे यूज़ के लिए है। आउट ऑफ विच 100% 69% वाटर इज ग्लेशियर एंड 30% वाटर इज़ अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो जो पूरा अर्थ है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो 71% वाटर है, उस 71% में से ओनली 3% वाटर ऐसा है जो हम जो है परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बाकी सारा वाटर कैसा है, या तो ग्लेशियर में है, या ओशियन में है, या अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि क्या हो रहा है हमारे लिए हार्मफुल है। ओनली 1% वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ अवेलेबल, यानी कि हमारे लिए कितना 1 or 3% ही अवेलेबल है। Now we define water management. All the activities and schemes of a water distribution, development and sensible utilizations are included with the established coordination in demand and supply of water is called water management. यानी कि ऐसी सारी activities या फिर ऐसी सारी schemes जिनसे water का अच्छे से distribution होता हो। Water के distribution से क्या मतलब निकालेंगे हम, जहाँ पर already पानी जो है satisfied क्वांटिटी में अवेलेबल है, अगर हम वहाँ पर पानी पहुँचा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें पानी का वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना चाहिए, रूरल एरियाज़ में या फिर फार डिस्टेंस एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे एरियाज़ में वाटर का परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन होना। या फिर डेवलपमेंट से मतलब है कि जहाँ पर भी वाटर रिसोर्सेज डेवलप्ड नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट करना। सेंसिबल यूटिलाइजेशन से मतलब है समझदारी से, विवेकपूर्वक व्यवस्थित तरीके से यूज़ करना। तुमको आधा ग्लास पानी चाहिए और तुम पूरा ग्लास पानी ले रहे हो, कहीं मतलब निकला उसका, कुछ मतलब नहीं, वो बचा हुआ हाफ ग्लास जो है वो वेस्ट जाने वाला है। यानी कि सेंसिबल यूज़ करो ना, ये छोटा सा एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, जैसे स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल में तुम लोग जो है नल खुला छोड़ देते हो तो वो पानी क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो वो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम उसको सेंसिबल यानी कि समझदारी से उसको यूटिलाइज यानी कि उसका प्रयोग करो, इसे बोल देंगे सेंसिबल यूटिलाइजेशन। यानी कि तुम्हारा काम हो गया तो तुम उस नल को बंद कर दो ना, उसको छोड़ के जा रहे हो, आने वाला वापस उसको चालू कर देगा, तुम्हें छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही तरीके से यूज़ किया जाना है, टू इंक्लूडेड विद द एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन यानी कि सहायक जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के अंदर बैलेंस बनाते हैं। जहाँ से डिमांड ज़्यादा आ रही है वहाँ पर सेटिस्फाइड सप्लाई होनी चाहिए इस टाइप से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वाटर मैनेजमेंट कहेंगे। After the independence, various multi-purpose water project was started in the 5-year plan. 5-year plan का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऐसा प्लान जो कि पर्टिकुलर टाइम के लिए बनता हो, जैसे कि 5 सालों के लिए बनता है। ठीक है, उसमें पर्पज़ फिक्स होते हैं कि हमें इन 5 सालों के अंदर ये काम करना है। ठीक है, इसे बोलेंगे हम 5-year plan। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ाद होने के बाद जो है काफ़ी 5-year plans जो है चलाए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड कॉल्ड दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। किसने क्या स्टेटमेंट दिया है,
ये चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को क्या कहा है, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, इन इंडिया दिस प्रोजेक्ट आर ऑपरेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि भारत के अंदर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो वो ऑल इंडिया के लिए होता है। ठीक है, वो ऑल इंडिया पर इंप्लीमेंट होता है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी स्टेट हो। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो वो उसी स्टेट में लागू होता है, पूरे इंडिया पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाखरण कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है या स्टार्ट किया है तो वो ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, ऑल इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है वो। ठीक है, उसमें ऑल इंडिया का बेनिफिट देखा जाता है। वहीं पर अगर राजस्थान सरकार, गुजरात सरकार अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है तो वो ओनली उन्हीं की पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा, ना कि पूरे देश के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाखरण नांगल प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किए हैं उन प्रोजेक्ट्स के नेम आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है दैट विच प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड बाय या फिर कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दो नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट के नेम है बस यही उसके आंसर में लिखे जाएंगे कि बाखरण नांगल प्रोजेक्ट, रिहंद प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट एंड टिहरी प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट, तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है विच प्रोजेक्ट आर स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, तो चंबल प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश स्टेट एंड कर्नाटक स्टेट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, MP एंड राजस्थान, मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट राजस्थान एंड गुजरात, गंडक प्रोजेक्ट बिहार एंड उत्तर प्रदेश, मचकुंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ये जो है ये इनके जॉइंट वेंचर्स है। एक नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का जॉइंट वेंचर है, जैसे कि तुंगभद्रा प्रोजेक्ट का क्वेश्चन जो है लगभग साल भर पहले जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आ चुका है। ठीक है, कि कौन से राज्यों का जॉइंट वेंचर है, तो तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है कौन से स्टेट का है। जैसे चंबल प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन से स्टेट का जॉइंट वेंचर है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। वहीं पर मचकुंड प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कौन से स्टेट का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। इस टाइप से नाउ वी स्टार्ट्स अवर फर्स्ट प्रोजेक्ट बाखरण नांगल प्रोजेक्ट, स्टार्टेड इन 1948, कंप्लीटेड इन 1963, लोकेशन ऑन रिवर सतलज नियर बिसलपुर इन हिमाचल प्रदेश। इस टाइप से तुम लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, थ्योरी या फिर जो तुम्हारी बुक में जैसे पैराग्राफ दे रखा है ना, पूरी रामायण, वो रामायण नहीं लिखनी है तुमको, आसपास का सारा डस्ट हटा देने का है। और इस टाइप से कब स्टार्ट हुआ, बस ये मुद्दे की बात है ना, इट इज़ स्टार्टेड इन, इतनी बड़ी रामकथा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, तो तुमको इसी टाइप से लिखना है, स्टार्टेड 1948 में शुरू हुआ, 1963 में कंप्लीट हो गया था, कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के बिसलपुर गांव में है। इंडियाज बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा, जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान, जो ये प्रोजेक्ट है ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, यानी कि इन तीनों राज्यों का सम्मिलित रूप से है। अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के अंदर देखो, टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ पावर, इरीगेशन, पोटेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बिजली की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए और आर्थिक विकास के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से यहाँ पर मतलब है जैसे अगर डैम वगैरह बना हुआ है तो वहाँ पर एक तो वो घूमने की जगह हो जाएगी, तो घूमने जाएंगे वहाँ पर तो जाहिर सी बात है चार्ज लगेगा। अब घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, शॉप्स वगैरह भी होगी, ग्रॉसरीज की, इस वजह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अंडर द प्रोजेक्ट टू डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब, यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब जिले, पंजाब राज्य के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जो है दो डैम बनाए गए हैं, एक तो भाखरा डैम और दूसरा नांगल डैम। अंडर दिस प्रोजेक्ट टू डैम्स हैव बीन बिल्ट इन अम्बाला पंजाब, फर्स्ट भाखरा डैम, हाईएस्ट डैम अमंगस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेट डैम।
फर्स्ट जो डैम है वो है भाखड़ा डैम, जो कि विश्व के स्ट्रेट डैम्स में से एक है। सेकंड नांगल डैम है, विच इज फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ एडिशनल वाटर ऑफ द भाखड़ा डैम। दूसरा जो डैम है वो है नांगल डैम, जिसे बनाने का ये उद्देश्य था कि अगर भाखड़ा डैम जो है कभी भी ज़्यादा फुल ज़्यादा पानी भर जाता है उसमें, तो जो एडिशनल वाटर है उसकी सप्लाई कहाँ की जा सके, नांगल डैम में की जा सके। मैनी कैनाल्स एंड पावर प्लांट्स सिचुएटेड इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कैनाल बनाए गए थे, काफ़ी पावर प्लांट्स भी बनाए गए थे। सेकेंड जो हमारा है वो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दिस इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था ये। दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। एक चीज़ यहाँ पर जो है इस लड़की ने गलत किया है, झारखंड में जय कैपिटल आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब भी किसी स्टेट का, नेशन का, एरिया का, जगह का, किसी का नाम आता है, नाम को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। झारखंड में जय बड़ा आएगा और वेस्ट बंगाल में भी बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा, ध्यान रखना, नोटबुक चेक होगी तब। दिस इज जॉइंट वेंचर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड का जॉइंट वेंचर है, स्टार्टेड इन 1948। जैसा कि ऊपर लाइन दी गई थी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्यों है, क्योंकि 1947 में हम फ्री हुए थे और 1948 में इसका काम चालू हो गया, ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी जो है ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट माना गया है। लोकेशन ऑन दामोदर रिवर, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है ये दामोदर नदी पर सिचुएटेड है, विच इज नोन एज बंगाल्स शोक एंड बंगाल्स सोरो। दामोदर नदी जिसे बंगाल्स शोक या फिर बंगाल्स सोरो के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो दामोदर रिवर है इसमें जो है काफ़ी बाढ़ आती है, ठीक है, फ्लड जो है काफ़ी होता है, जिससे एक तो लोगों की लाइफ का भी लॉस हो जाता है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है और काफ़ी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन DVC, DVC का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट जो है उन्होंने DVC प्रोजेक्ट जो है किस फॉर्मेट पर बनाया, जो टेनेसी प्रोजेक्ट है अमेरिका का, USA का, उस पर आधारित करके बनाया। जो DVC कॉरपोरेशन है उसे गवर्नमेंट ने TVC कॉरपोरेशन यानी कि टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो है उससे जो है स्टार्ट किया था, जो कि USA यानी कि अमेरिका के अंदर था। आइम यानी कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टार्ट करने का सरकार का उद्देश्य था कि जितने भी लोकल रेसिडेंट्स हैं इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, यानी कि लोगों की आय में वृद्धि हो, लोगों की जीवन शैली का विकास किया जाए। बोकारो डैम हैज़ बिल्ट ऑन रिवर बोकारो, बोकारो नामक नदी के ऊपर डैम बनाया गया जिसका नाम है बोकारो डैम। कोनार डैम हैज़ बिल्ट ऑन रिवर कोनार, विच आर दामोदर ट्रिब्यूटरी रिवर। कोनार जो कि दामोदर की सहायक नदी है, इस कोनार नदी के ऊपर कोनार डैम बनाया गया। दुर्गापुर बैरेज 3 पावर प्लांट्स इन बोकारो एंड कैनाल सिस्टम ऑल्सो डेवलप्ड। कैनाल निकाली गई, पावर प्लांट्स बनाए गए और बैरेज भी स्थापित किए गए। Our last central government's project is Hirakund project. This is an ambitious project of Peninsular India. Peninsular India से मतलब है दक्षिण भारत, Deccan Plateau, Peninsular Plateau, South part of India. दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। Located in Odisha state on a river Mahanadi, which is known as Odisha Soro. ये जो प्रोजेक्ट है हीराकुंड प्रोजेक्ट, ये बिहार राज्य के अंदर सिचुएटेड है, महानदी पर बनाया गया है और महानदी को जो है ओडिशा सोरो यानी कि ओडिशा का शोक नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें भी फ्लड काफ़ी होता है, नुकसान कर देती है, ठीक है। महानदी क्रिएट्स अ फ्लड, महानदी में काफ़ी बाढ़ आती है। द गवर्नमेंट हैज बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर अबोव संबलपुर विद एन इन्वेस्ट ऑफ 68 करोड़ रुपीज़। जो सरकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हीराकुंड डैम जो है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 14 किलोमीटर अबोव बनाया है और इसे बनाने में सरकार का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 68 करोड़ रुपीज़ का खर्चा आया था। इट्स लेंथ इज 4801 किलोमीटर। दिस इज़ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम, ये विश्व का सबसे लंबा डैम है, ध्यान रखना। टू अदर डैम्स वर बिल्ट इन
ट्रिकारपाड़ा एंड नाराज। दिस प्रोजेक्ट हैज़ कम्प्लीटेड इन टू फेजेज। ये जो प्रोजेक्ट है ये दो चरणों में पूरा हुआ था। जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है ये टू फेजेस में कम्प्लीट हुआ था, ठीक है। इन फर्स्ट फेज वन डैम वॉज बिल्ट इन सबलपुर एंड कैनाल कार्व्ड। यानी कि फर्स्ट जो फेज, दो फेजेस में कम्प्लीट हुआ। फर्स्ट फेज में क्या किया था, एक तो डैम बनाया, ठीक है। उसके बाद डैम कहाँ पर बनाया, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वही हीराकुंड डैम। और दूसरा क्या किया, कैनाल निकाली गई। और सेकंड फेज में क्या हुआ, इन सेकंड फेज फोर पावर प्लांट्स वो रेस्ट बेस्ड डेवलप्ड। और सेकंड फेज में क्या किया था, पावर प्लांट्स बनाए गए थे, ठीक है। इस टाइप से हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्री मेन प्रोजेक्ट थे वो हमने रीड कर लिए। उनका अगर हम मैप में लोकेशन देखें तो फर्स्ट है ए, बी और सी सिंबल दिया है। ए पर है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट विच इज़ जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। देखो ट्राइंगुलर शेप में शो हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दैन दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। सी हीराकुंड प्रोजेक्ट लोकेटेड इन ओडिशा। नाउ वी टॉक अबाउट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान। फर्स्ट चंबल वैली प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। जो चंबल वैली प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का जॉइंट वेंचर है। बिकॉज जो रिवर है चंबल रिवर वो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और राजस्थान में फ्लो करती है, जिस वजह से दोनों का जॉइंट वेंचर है। दोनों इस रिवर का जो है बेनिफिट ले रहे हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड रिवर ऑन रिवर चंबल इन 1953 में। चंबल नदी के ऊपर इसका जो कंस्ट्रक्शन है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन, वो स्टार्ट किया गया था टू प्रिवेंट वेयरिंग ऑफ लैंड। क्यों स्टार्ट किया था, तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मतलब उसकी बंजर शक्ति जो है उसे कम करने के लिए, फ्लड से बचाने के लिए एंड अदर क्लाइमिटीज दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। और जितनी भी जो है क्लाइमिटीज़ हो रही हैं उनसे बचाने के लिए चंबल नदी के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया। दिस प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन थ्री फेजेस। ये जो प्रोजेक्ट है ये तीन चरणों में पूरा हुआ था। चंबल वैली प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड इन थ्री फेजेस। फर्स्ट फेज गांधी सागर डैम एंड कैनाल सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। यानी कि जो फर्स्ट तीन फेजेस में कम्प्लीट हुआ। फर्स्ट फेज में क्या किया गया, पहला जो चरण था उसके अंदर गांधी सागर डैम बनाया गया और कैनाल सिस्टम जो है वो डेवलप किया, वॉज डेवलप्ड इन द मंदसौर। डैम कहाँ पर बना था, मंदसौर के अंदर, और कैनाल सिस्टम भी मंदसौर जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट में, वहाँ पर ये जो है स्टार्ट किया था। सेकेंड फेज राणा प्रताप सागर डैम वॉज बिल्ट एट रावतभाटा चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। रावतभाटा तहसील है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया था सेकंड फेज में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट रावतभाटा तहसील में। थर्ड फेज जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन वर बिल्ट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर। जवाहर सागर डैम और पावर प्लांट जो है वो कोटा और बूंदी की जो बॉर्डर है उस पर बनाए गए थे विद द हेल्प ऑफ द कोटा बैराज इरीगेशन इज और इरीगेशन फैसिलिटी के लिए कोटा बैराज जो है वो भी बनाया गया। राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, यहाँ पर फिर मिस्टेक है। राजस्थान लैंड कैसे हो गया, राजस्थान कैनाल होगा ना, देख के भी सही नहीं लिखता। राजस्थान कैनाल यानी कि राजस्थान नहर और इंदिरा गांधी कैनाल यानी कि जो राजस्थान कैनाल है, जब इसे बनाया था, इसे बनाने के बाद क्या हुआ था, कुछ इसका नाम तो राजस्थान कैनाल रखा था, बट 1989 में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तो इंदिरा गांधी की मेमोरी में, उसकी याद में जो है राजस्थान कैनाल का नेम चेंज करके इंदिरा गांधी कैनाल किया, ठीक है, ध्यान रखना इस इंसिडेंट को। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोटेबल वाटर सप्लाई इन थार डेजर्ट इन राजस्थान टू रिड्यूस बैरन लैंड एंड टू पॉपुलेट पीपल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर दिस कैनाल हैज़ बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द हरीके बैराज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलज एंड रावी। यानी कि सतलज और रावी नदी का जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि जहाँ पर दोनों रिवर्स मिल रही है, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, तो वहाँ पर हरी के बैराज बनाया गया है। देखो बैराज का मतलब जो होता है, एक तो होता है डैम जो कि काफ़ी बड़ा होता है,
उसके लेंथ वगैरह काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो बैरेज होता है वो डैम से थोड़ा छोटा होता है, होता तो डैम जैसा ही है लेकिन डैम से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो जहाँ पर सतलज और रावी रिवर जो है मिल रही है, वहाँ पर हरी के बैराज हिमाचल प्रदेश में बनाया है, और उसी हरी के बैराज से जो है कैनाल जो है वो निकाली गई है, ताकि जो थार डेजर्ट है वहाँ पर जो है पोटेबल वाटर सप्लाई हो सके, जिससे कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, लोग रहेंगे ना, पानी की फैसिलिटी नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे, इसीलिए पानी की व्यवस्था की गई ताकि जनसंख्या वहाँ पर अच्छे से निवास कर सके, और जो वहाँ पर के बंजर भूमि है उसे थोड़ी सी उर्वरता दी जा सके, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया था। दिस कैनाल इज द लार्जेस्ट मैनमेड कैनाल ऑफ एशिया। जो इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल है, ये एशिया की सबसे बड़ी मैनमेड कैनाल है। इट्स अ टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर। टोटल अगर जो इसकी लेंथ है, यानी कि हरी के बैराज से लेकर गडरा रोड बीकानेर तक की जो लेंथ है, वो पूरी लेंथ इसकी कितनी है, 649 किलोमीटर। अब अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो 169 किलोमीटर लाइज इन पंजाब, 14 किलोमीटर लाइज इन हरियाणा, एंड रिमेनिंग 566 किलोमीटर लाइज इन राजस्थान। यानी कि टोटल तो शुरुआत से लेकर एंड तक कितनी है, 649 किलोमीटर। लेकिन अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो पंजाब में कितनी है ये, 169 किलोमीटर, हरियाणा में है 14 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है, 566 किलोमीटर। थ्रू दिस कैनाल पोटेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट। ये जो कैनाल है, इस कैनाल की हेल्प से जो है 9 डिस्ट्रिक्ट, 29 टाउन और 3,461 विलेजेस के अंदर क्या हो रही है, पोटेबल वाटर सप्लाई हो रही है, लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। दिस कैनाल वॉज कम्प्लीटेड इन 2 फेजेस। ये जो कैनाल है ये 2 चरणों में पूरी हुई थी। देखो तुम लोगों को ये समझाया जा रहा है तो समझ लेना, एग्ज़ाम में टेस्ट में काम आएगा, ठीक है। और ये मैटर तुमको लर्न भी होना चाहिए फॉर टेस्ट। इंक्लूड्स द फीडर, इसके अंदर फीडर को भी इंक्लूड कर रखा है। फीडर का मतलब वो होता है द पार्ट ऑफ कैनाल विच इज़ नॉट यूजेबल, यानी कि कैनाल का एक ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जो कि यूजेबल नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फीडर। राजस्थान कैनाल स्टार्टेड फ्रॉम द मसीतावली टू द एंडिंग पॉइंट इन मोहनगढ़ इज रिस्पेक्टिवली 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर लॉन्ग। जो राजस्थान कैनाल है इसकी जो स्टार्टिंग है वो है मसीतावली हनुमानगढ़ से, और ये ख़त्म कहाँ पर होती है, पहले ये मोहनगढ़ करके एक जगह थी वहाँ ख़त्म होती थी, ठीक है, बाद में इसके लेंथ इंक्रीज कर दिया था। वेरियस ब्रांचेज एंड लेफ्ट कैनाल्स हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस कैनाल फॉर इरीगेशन। लिफ्ट कैनाल का मतलब होता है जैसे बैरेज से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली, अब मेन कैनाल से क्या है कुछ अलग अलग कैनाल्स और निकाली जाती है, ठीक है, यानी कि ब्रांचेस कह सकते हो हम एक तरह से, तो उसे लिफ्ट कैनाल बोलते हैं। देर आर 7 लेफ्ट कैनाल्स प्रेजेंट, वर्तमान में जो है इंदिरा गांधी कैनाल के 7 लिफ्ट कैनाल्स हैं। नाउ दिस कैनाल हैज़ बीन एक्सेलरेटेड अप टिल गडरा रोड ऑफ बाड़मेर। वर्तमान में जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसकी जो लेंथ है, जो मतलब इसका एंडिंग पॉइंट है, उसे मोहनगढ़ से हटाकर क्या कर दिया है, गडरा रोड कर दिया है। गडरा रोड जो है एक गांव है बाड़मेर के अंदर, ठीक है, यानी कि स्टार्ट कहां से हो रही है, हरी के बैराज से, ख़त्म कहां हो रही है, गडरा रोड में। कौन कौन से स्टेट में है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। नाम है इसके इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान कैनाल, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में आर और जी कैपिटल आएगा, और जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और गुजरात का जॉइंट वेंचर है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1971 में जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया था माही रिवर के ऊपर, माही नदी के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। माही बजाज सागर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अ रिवर माही विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन। माही नदी जो है उसका जो ओरिजिन है वो विंध्याचल माउंटेन मध्य प्रदेश स्टेट से होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप इरीगेशन एंड पावर फैसिलिटी। कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हो, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें तुम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट का रिवर कौन सा है, वो स्टार्ट कब हुआ, वो फिनिश कब हुआ। अगर उसका इंजीनियर भी है तो उस इंजीनियर के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ जो पर्पस हैं, चाहे भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट हो या जाखम डैम का प्रोजेक्ट हो, दोनों का ही पर्पस एक ही है, पोटेबल वाटर की सप्लाई करना, इरिगेशन फैसिलिटी करना, पावर डेवलपमेंट करना, ठीक है, पर्पस सब में एक जैसे ही होंगे, ठीक है।
अंडर दिस प्लान जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है, इसके तहत माही बजाज सागर डैम बनाया गया था। बोरखेड़ा नाम की जगह है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एंड कडाना डैम बनाया गया था गुजरात में विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात सरकार की ही फाइनेंशियल हेल्प से जो है गुजरात में कडाना डैम बनाया, और राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल हेल्प से राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर डैम बनाया। इन ऑर्डर टू डेवलप अ कैनाल सिस्टम कागती पिकअप डैम वॉज बिल्ट 500 मीटर बिलो द मेन डैम। जो माही बजाज सागर डैम है उससे 500 मीटर नीचे की तरफ जो है कागती पिकअप बनाया गया, जहाँ से कैनाल सिस्टम डेवलप किया। 2 power plants were built on this dam. Next is Bisalpur project started on 1997 and completed in 1998. तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। This is a multipurpose project. ये भी एक जो है multipurpose project है, जो कि कब शुरू हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था शुरू होने का, irrigation facility और potable water supply, इस उद्देश्य से ये जो project है इसे start किया था। ये जो project है इसके अंदर ये scheme रखी गई थी कि 574 meter long और 39.5 meter height का जो dam है वो बनास river के ऊपर बनाया जाएगा। कहाँ बनाएंगे, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट की टोडा रायसिंह तहसील के बिसलपुर गाँव में जो है ये बिसलपुर डैम बनाया गया। ये जो डैम है इससे जो है 2 canals भी निकाली गई थी। थ्रू दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन संबलपुर सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट। जो बिसलपुर प्रोजेक्ट है, इस बिसलपुर प्रोजेक्ट से इरिगेशन फैसिलिटी किसे मिल रही है, सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट को। इसके अलावा पोटेबल वाटर सप्लाई जो है वो कहाँ हो रही है, इरिगेशन फैसिलिटी तो सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, और पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ पर है, जयपुर सिटी में। अजमेर, केकरी, सरवार, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि जयपुर और सवाईमाधोपुर में तो फैसिलिटी हो ही रही है। इसके अलावा जितनी भी एरियाज जो है बनास रिवर के फ्लो में आते हैं, उसके जो है बहाव क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे कि अजमेर, केकरी, सरवार, ब्यावर, यहाँ पर भी जो है पानी की व्यवस्था होती है। अलॉन्ग विद दिस 256 विलेजेस ऑफ टोंक विल बी प्रोवाइडेड विद पोटेबल वाटर। इसके अलावा टोंक जिले के 256 गांवों के अंदर पीने का पानी भी भेजा जाता है। अब हम जो है अदर प्रोजेक्ट देखेंगे राजस्थान के। फर्स्ट इज जाखम प्रोजेक्ट, सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट, मेजर डैम, सिंधुमुख प्रोजेक्ट। जाखम डैम के अगर बारे में हम बात करें तो जाखर डैम इज बिल्ट ऑन रिवर जाखम इन अनूपपुरा फॉर डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन चित्तौड़गढ़ एंड उदयपुर एंड ट्राइबल एरिया ऑफ प्रतापगढ़, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है प्रतापगढ़ के। इसके अलावा चित्तौड़ और उदयपुर जो है यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी करने के लिए जो अनूपपुरा क्षेत्र है वहाँ पर जो है एक डैम बनाया गया है जाखम नदी के ऊपर, जिसका नाम है जाखम डैम। इससे जो है कैनाल सिस्टम भी डेवलप किया गया है। इसके लिए एक पिकअप बनाया गया है नागलिया विलेज के अंदर, जिसका नाम है नागलिया डैम। नागलिया डैम जो तुम लोग जानते हो वो नागलिया डैम नहीं, नागलिया पिकअप है, जहाँ से जो है कैनाल सिस्टम जो है डेवलप कर रखा है। सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर डेवलप्ड इन अ कमला अम्बा विलेज, जो गांव है उस गांव का नाम क्या है, कमला अम्बा गांव, उस गांव में बनाया है। सोम नदी के ऊपर डेवलप किया गया है ताकि बांसवाड़ा, ताकि जितना भी रीजन है वहां पर जो है अच्छे से इरिगेशन किया जा सके। ये जो डैम है, इस डैम से कौन कौन सी फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू विलेजेस ऑफ आसपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर एंड द विलेज ऑफ सलूमपुर तहसील ऑफ उदयपुर, यानी कि डूंगरपुर और उदयपुर जिले की जो तहसीलें हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो रही है। मेजा डैम, मेजा डैम जो है वो कोठारी रिवर के ऊपर बनाया गया है, मेजा गांव में बनाया गया है, जो कि मांडलगढ़ तहसील भिलवाड़ा जिले में पड़ता है। मेजा डैम बनाने का उद्देश्य क्या था, तो ये पर्पज़ था कि फिशरीज़, यानी कि मत्स्य पालन, मछली पालन किया जा सके और कैनाल सिस्टम डेवलप करके इरिगेशन फैसिलिटी और पोटेबल वाटर सप्लाई की जा सके। आफ्टर द सिद्धमुख प्रोजेक्ट, थ्रू दिस प्रोजेक्ट एडिशनल वाटर ऑफ रिवर्स रावी एंड बीस इज़ यूज्ड, यानी कि जो रावी और बीस नदी में कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है मानसून की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, तो उस एडिशनल पानी को जो है सिद्धमुख डैम के अंदर जो है कंटेन किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। 33,000 hectare लैंड इज इन नेहरू भादरा ऑफ श्रीगंगानगर एंड नोहर भादरा इन श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़ एंड तारानगर एंड राजगढ़ तहसील ऑफ चूरू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो सिद्धमुख प्रोजेक्ट है इससे
गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है फैसिलिटी दी जा रही है। वहीं पर अब हम बात करते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट की। तो बाड़मेर और झालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो नर्मदा प्रोजेक्ट है ये पोर्टेबल वाटर की सप्लाई करता है, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर सिचुएटेड है। और कौन सा डैम बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, नर्मदा प्रोजेक्ट जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का जॉइंट वेंचर है। और ये क्या करता है? बाड़मेर और झालोर के अंदर पानी की सुविधा देता है। जमाई डैम, जमाई डैम जो है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। जमाई नदी को, नदी पर बना हुआ है। वेस्टर्न राजस्थान में लोकेटेड है। इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी। 176 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल हैज़ बिन कार्व्ड। जो जमाई रिवर है ये लूनी नदी के ट्रिब्यूटरी है। इसके ऊपर 176 किलोमीटर की लॉन्ग कैनाल जो है वो निकाली गई है। दिस डैम विद विच प्रोवाइड्स इरीगेशन फैसिलिटी पाली एंड झालोर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डैम है इससे क्या होता है, एक तो पाली और दूसरा झालोर जिले में पानी की सुविधा दी जाती है। पंचाना डैम, पंचाना डैम जो है एकमात्र मिट्टी का डैम है, ठीक है, करौली डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखना। क्वेश्चन हो सकता है विच डैम इज मेड ऑफ मड, तो आंसर क्या हो जाएगा? पंचाना डैम, वेयर इट इज सिचुएटेड इन करौली डिस्ट्रिक्ट। अ मड डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर नेम्ड बोरखेड़ा, भद्रावती, माची एंड अता इन गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली जिले की गुडला गांव के अंदर पांच नदियों के संगम पर जो है पंचाना डैम मिट्टी से बनाया गया है। विलेज ऑफ टोडा भीम, हिंडोन एंड गंगापुर। टोडा भीम, हिंडोन और गंगापुर जो है ये करौली डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों के नाम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस डैम से जो है इरिगेशन की जाती है। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशनड प्रोजेक्ट, अबाउट 40 स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट आर ऑपरेटिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ राजस्थान, थ्रू विच एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट इज बींग डन ऑन लोकल लेवल। यानी कि ये सब प्रोजेक्ट तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी ऐसी छोटी छोटी स्कीम्स हैं, ऐसे मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं जो कि राजस्थान के काफ़ी भागों में ऑपरेट की जा रही है, जिससे राजस्थान के लोकल लेवल के ऊपर भी वाटर मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखी है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का मतलब पानी का संरक्षण करना, पानी को बचाना। पानी का संरक्षण कैसे करेंगे हम? तो वही सेंसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, कलेक्टेड रन वाटर एट सम प्लेस एंड अप्रोप्रिएट वाटर मैनेजमेंट इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। यानी कि बारिश के पानी का उचित तरीके से रखरखाव करना वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। सो द पार्ट फ्रॉम द मानसून सीजन, यानी कि जैसे मानसून सीजन में तो चलो हमको बारिश से पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर मानसून सीजन के अलावा हमको पानी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पानी को संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आज अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम आज के आज ला के खा लोगे, लेकिन वही चीज़ अगर तुमको आगे रेगुलर भी चाहिए तो तुम क्या करोगे? उसको एक्स्ट्रा में लाके रखोगे ना, उसका स्टॉक करोगे। उसी टाइप के पानी को क्या करना है, कलेक्ट करना फॉर फ्यूचर यूज इन एप्रोप्रिएट वे इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। इफ यू टॉक अबाउट वाटर कंजर्वेशन, वी कैन से इन एंशियंट टाइम देर वॉज वेरी डिफरेंट वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, एज लाइक पॉन्ड्स, डैम्स, जोहार्ड्स, लेक्स। यानी कि पुराने टाइम में जो है काफ़ी छोटे छोटे और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज बनाए जाते थे जिससे कि पानी का कंजर्वेशन होता था। जैसे तालाब बनते थे, झीलें बनती थी, जोहार्ड बनाते थे, ठीक है, जिनका क्या करते थे, मानसून के अलावा जो सीज़न होता था उसमें हम पानी को यूज़ करते थे। द ईयर इन इंडियन कल्चर, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति थी, वाटर हैज़ बीन रिगार्डेड एज एक्वेंटेंट टू एलेक्जर। यानी कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हमने पानी को जो है बिल्कुल एलेक्जर यानी कि अमृत की तरह माना है, और इसका सेंसिबल यूज़ करना क्या है, हमारा कल्चर है। और जो इंडियन पीपल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेम्पेटिक है, यानी कि भावुक है बहुत ज़्यादा जो है पानी को लेकर, क्योंकि पानी जो है वो एक तरह से गॉड भी माने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है काफ़ी सेम्पेटिक तरीके से जो है कनेक्टेड होते हैं लोग इन चीज़ों से। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जितने भी रूलर्स, राजा होते थे, जितने भी ज़मींदार, मनी लीडर, मनी लैंडर्स, या फिर जितने जो सिटीज़न होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, वो क्या करते थे, लोकल एरिया के ऊपर कुएँ, बावड़ी, तालाब वगैरह ये सारी चीज़ें बनवाते थे, जिससे क्या होता था रेनफॉल मानसून सीज़न में तो पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर उस वाटर का जो है हम समर सीज़न, विंटर सीज़न में यूज़ करते थे, ठीक है। पीपल वर सैम्पथेटिक टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन ड्यू टू दिस रीज़न। इसी कारण की वजह से जब भी इंदूज वैली सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही होता था,
ठीक है, या फिर अगर हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन में, तो पानी को जो है हमेशा से ही बचाया जा रहा है, ठीक है। इन कौटिल्य अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य हैड बुल्ट एंड सुदर्शन लेख, जैसे अगर हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य डायनेस्टी का रूलर था, मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है, उन्होंने जो है सुदर्शन लेख बनवाई थी। चंद्रगुप्त सुदर्शन लेख चाणक्य रूलर्स ओवर वेरियस एनिकट्स एंड डेम्स, इसके अलावा अगर हम चालुक्य रूलर्स की बात करेंगे तो उन्होंने भी काफ़ी डेम वगैरह बनवाए थे। यानी कि कुल मिला के क्या हो रहा था, पानी का कंजर्वेशन किया जा रहा था, ठीक है। हमारे पास जो भी है काफ़ी ट्रेडिशनल ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में जो है पुराने टाइम में इसे वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एक तो वो जो वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स हैं उनकी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, जिससे सूखे की समस्या या फिर स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल जैसी प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिल रही है, जिससे फ्री होने के लिए या जिसका सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, वाटर कंजर्वेशन करना होगा। वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, तो हियर ड्यू टू रीजन द लोकल किंग्स एंड मनी लीडर्स बिल्ट वेरियस बॉडीज जोहार्स नाडीज वेल्स सब वेल्स वेयर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर कॉमन पीपल, जिसके लिए क्या है कॉमन पीपल को पानी मिलता था। छोटे और बड़े डैम बनाए जाते थे, खड़ी बनाई जाती थी, एनीकट बनाए जाते थे, जिनका क्या होता था वर यूजेबल एज रिसोर्सेज ऑफ पोटेबल वाटर वेल एज फॉर इरीगेशन, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये पीने के पानी में भी काम आता था इनका पानी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इरीगेशन में भी फैसिलिटी होती थी, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान, अब राजस्थान में जो है पुराने टाइम में वाटर कंजर्वेशन कैसे होता था, तो हम फर्स्टली देखेंगे बावरी यानी कि स्टेपर, तो देयर आर क्वारंगुलर सर्कुलर एंड क्वारल इन शेप्स ब्रिक्स एंड आर्टिस्टिक स्टोन्स वर यूज्ड, यानी कि जो बावरी होती थी ये चार कोने निकालकर चतुष्कोणीय आकार में बनाई जाती थी या गोलाकार भी हो सकती थी। इसमें जो है ढलान वाला एरिया होता है वहाँ पर बावली बनाई जाती थी, काफ़ी आर्टिस्टिक तरीके से बनती थी, अलग अलग तरह के पत्थरों का यूज़ किया जाता था, ठीक है। और जो सरफेस लेवल है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो है स्टेप्स बनाई जाती थी, वरांदा बनाया जाता था। जो लेक्स है वो पोटेबल वाटर सप्लाई के लिए यूज़ में आती थी, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी यूज़ में आती थी, कैनाल्स निकाली जाती थी इनसे, ठीक है। एंड इरिगेशन वर्क वॉज कंडक्टेड इन द नियर बाई एरियाज ऑन वन हैंड, दिस आर रीन्यूड हेल्पफुल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज, यानी कि किसी भी समाज में आर्थिक विकास अच्छे से हो सकता है अगर लेक्स वगैरह बनी हुई हो तो। अगर हम इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें तो आना सागर लेक ऑफ अजमेर, पिछोला एंड फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर, ताल छापर लेक ऑफ चूरू, बाखली डैम यानी कि बाखली लेक ऑफ जालोर, टोरी सागर लेक ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट, सरदार समंद लेक ऑफ पाली, नवलक्का लेक ऑफ बूंदी एंड नव चौकी लेक ऑफ राजसमंद आर वेरी फेमस। नाउ वी टॉक अबाउट नाडी। नाडी इज़ अ स्मॉलर फॉर्म ऑफ पॉन्ड, यानी कि तालाब से छोटा रूप होता है, जो कि काफ़ी फेमस है वेस्ट राजस्थान के अंदर। ये जो है का जो रेतीला इलाका होता है, रेतीला भाग होता है, सैंडी प्लान होता है, वहाँ पर बनाया जाता है, जिसमें रन वाटर को कलेक्ट करते हैं। इट इज़ 4 to 5 meters डीप रन वाटर कलेक्टेड फॉर द शॉर्ट टाइम इन नाडी। द मड फ्रॉम दिस नाडीज इज़ डग एनुअली, यानी कि हर साल क्या होता है यहाँ से जो है मिट्टी का रिसाव होता है, आर मेड डीपर, जिससे क्या होती जाती है ये और ज़्यादा गहरी होती जाती है। दिस हैव रेनआउट एंड द मेजर सोर्सेज ऑफ पोटेबल वाटर, रूरल पॉपुलेशन या फिर जो जीव जंतु जानवर होते हैं उनके लिए वेस्टर्न राजस्थान में काफ़ी जो है फैसिलिटी देती है ये नाडी। टांका, टांका इज अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन वेस्ट राजस्थान। इट इज़ बिल्ट बाय डिगिंग 5 or 6 meters डीप होल, यानी कि टांका जो है वेस्ट राजस्थान में एक ट्रेडिशनल सोर्स है वाटर कंजर्वेशन का। इसमें क्या करते हैं, 5 to 6 meters गहरा जो है गड्ढा खोदा जाता है, फिर इससे जो है कैनाल निकालकर उसे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ओपन किया जाता है ताकि पानी की सप्लाई की जा सके। एश और डस्ट इज कोटेड ऑन इट्स इनर पार्ट, आंतरिक भाग में यानी कि इसकी जो दीवारें होती हैं उन दीवारों के ऊपर राख और मिट्टी जो है वो लगाई जाती है ताकि वो सब मजबूती बनी रहे और जो प्रिवेंट वाटर लीकेज, जिससे क्या हो सके पानी का जो लीकेज है उससे हम इसकी रोकथाम कर सकें।
टियर एंड बियरिंग आउटफिट्स बॉटम, इसका तला जो है मजबूत रह सके। जो जल स्वावलंबन अभियान चला था उसके तहत जो है ये प्रोसेस की गई थी, टांका बनाया गया था। नाउ वी टॉक अबाउट खडीन। खडीन जो है ये पालीवाल ब्राह्मणों के थ्रू जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यानी कि पालीवाल कास्ट के, पालीवाल कम्युनिटी के जो ब्राह्मण थे उन्होंने जैसलमेर जिले के अंदर क्या किया था, खडीन का निर्माण किया था अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के विकास के लिए। जिससे क्या हुआ था, एक तो यूनिटी इंक्रीज हुई थी उनके अंदर, इसके अलावा जो पोटेबल वाटर सप्लाई है, इरीगेशन फैसिलिटी है, इसके लिए भी काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा। खडीन जो है ये काफ़ी एक काफ़ी बड़ा जो है स्ट्रक्चर होता है, इज़ लाइक पॉन्ड। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, खडीन जो है उसके अंदर जितना भी रेनफॉल होता है तो उसका जो रेनिंग वाटर है उसे कलेक्ट रखा जाता है। इससे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे भी इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी कैसी रहती है, और जो सॉफ्ट है उसमें के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो पाई जाती है। और रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके लिए जो खडीन है वो काफ़ी यूज़ेबल मानी गई है। नाउ वी टॉक अबाउट वाटर सेल्फ हेल्प। इन प्रेजेंट टाइम में डिड यू डिक्लाइन ए लेवल ऑफ अंडरग्राउंड, यानी कि प्रेजेंट में जो पानी का गिरता हुआ लेवल है डिक्लाइन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स से के सल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और सरकार को मिलकर प्रयास करने होंगे। जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जल क्रांति अभियान, और राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम जो है इसे लॉन्च किया है, ताकि जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा, जितनी भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ढाणी, सॉरी, जैसे कि खडीन ताला, खडीन पॉन्ड, लेक, बावरी, स्टेपवेल, बेरी, छोटी कुई, इन चीज़ों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इन्हें इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि हर एक ढाणी, विलेज, टाउन, सिटी एरिया तक जो है पानी की व्यवस्था की जा सके, और जो वाटर का डिक्रीजिंग लेवल है उसे इंक्रीज़ किया जा सके। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जल क्रांति अभियान और स्टेट गवर्नमेंट ने मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। इन प्रेजेंट टाइम अगर हम वर्तमान की बात करेंगे, वाटर सेल्फ हेल्प इज एसेंशियल टू रिमेन इन फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑब्टेंड फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो वाटर सेल्फ हेल्प जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पानी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे सोल्यूशन कर सकें। इसलिए वाटर सेल्फ हेल्प क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन लास्ट वी टॉक अबाउट मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, यानी कि चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था, सबसे पहले अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि राजस्थान के अंदर जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वाटर की जो फैसिलिटी है वो दी जा सके, पानी का अच्छे से मैनेजमेंट और कंजर्वेशन किया जा सके। ये इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के ऑब्जेक्टिव थे। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया था, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसे इंक्रीज़ किया गया, पानी की क्वालिटी के अंदर चेंजेस किए गए, ठीक है। रूरल एरिया तक जो है वाटर की जो है सप्लाई की गई, एनीकट्स बनवाए गए, डैम्स बनवाए गए, वेल्स और नाडीज बनाई गई थी। इसके अलावा द टर्म ऑफ दिस स्कीम विल बी 4 ईयर, यानी कि सरकार ने सोचा था कि ये जो पॉलिसी है ये हम सिर्फ 4 साल की रखेंगे, एंड 2100 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम से क्या हुआ, लगभग 21,000 गांवों को क्या मिला, फ़ायदा मिला। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था, एक तरह की पार्टनरशिप रखी गई थी, यानी कि एक तो गवर्नमेंटल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी क्या किया जाएगा, जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाएगा। जैसे कोई ट्रस्टी हो सकता है, कोई टेम्पल हो सकता है जहाँ पर जो है इनकम का सोर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है, कोई बिजनेस हो सकता है। नॉन इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ट्रस्टीज, नॉन रेसिडेंटल रूरल इंडियंस एंड लोकल विलेजर्स, वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ सच एंड शेडोज एरियाज, यूनिफॉर्म स्मॉल एनिकर्ट्स, मर्ड चेक डैम्स, यानी कि इसमें क्या किया था, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों ही लोगों से हेल्प, दोनों ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को जो है डेवलप किया था, सक्सेसफुल किया था। इसमें क्या किया था, जैसे कि जितने भी मिट्टी के डैम बने हुए हैं या जितने भी ट्रेडिशनल
सोर्सेज थे जो कि डैमेज हो गए थे, उनका जो है रिकंस्ट्रक्शन करके उन्हें स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि इन फ्यूचर उनसे लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ पर भी जो है वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कंस्ट्रक्टेड नहीं है, वहाँ पर उनका कंस्ट्रक्शन किया गया ताकि लोगों तक जो है पानी की व्यवस्था हो सके। इन इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज अवेयरनेस रिगार्डिंग लोगों के अंदर जो है वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट के लेकर अवेयर करने के लिए लोगों को जो है रैलीज निकाली गई थी, लोगों को अवेयर किया गया था एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन इन द मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन इन द विलेज। इट्स इम्पोर्टेंस विल बी स्प्रेड थ्रू द वेरियस मीडियम्स सच एज प्लेज, फेयर्स, रैलीज, यानी कि खेल करके, मेले लगाकर, रैली निकाल कर सरकार ने जो है लोगों को अवेयर किया था वाटर कंजर्वेशन को लेकर। जो तुम्हारा चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है, इसका हमने सेकेंड रिविज़न कर लिया है।